हरे कृष्णा। आप लोग सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप का अध्ययन करते हैं। और आज का श्लोक संख्या है श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 60। तो आप लोग जिनके पास भी भगवद गीता है आप कृपया करके खोल सकते हैं, और जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वी रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 60। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। मैं एक और बार पढ़ता हूँ, आई रिपीट, सो दैट आप लोग सब मेरे पीछे बोल सकते हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। ट्रांसलेशन, अनुवाद। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियां इतने प्रबल है, आर सेंसेस आर सो स्ट्रांग, कि हम जो उसको कोशिश कर रहे हैं बलपूर्वक। बलपूर्वक कौन कोशिश करता है? एक ज्ञानी ही ऐसा व्यक्ति है जो बलपूर्वक अपनी इंद्रियां कंट्रोल या कर्ब करने की कोशिश करता है। कौन करता है? ज्ञानी। एक भक्ति योगी और ध्यान योगी ऐसा नहीं करता, पर एक ज्ञानी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि ज्ञानी ऐसा करता है। तो अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय भोग के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल विश्वामित्र मुनि का दिया गया है जो कठोर और घोर तपस्या कर रहे थे, तपस्या, और फिर भी किस से अट्रैक्ट हो गए? मेनका से। सो आर सेंसेस, हमारे इंद्रियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, दे आर लाइक सर्पेंट्स। काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी के पास काम वासना नहीं हो तो क्रोध होगा, क्रोध नहीं तो लोभ होगा, लोभ नहीं तो मोह होगा। सो समथिंग और द अदर, जब तक ये सारे विकार हमारे अंदर से क्लियर नहीं हो जाते तभी तक ये हमारे मन को ट्रबल करते रहेंगे। दे विल कीप डोमिनेटिंग अस, दे विल कीप ट्रबलिंग अस, जब तक ये सारे विकार हमारे अंदर से शुद्ध नहीं हो जाते। सब में जब तक ये मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ है, ये मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर सबको अफेक्ट कर रही है, सो सब में ये थोड़ा थोड़ा गुण है, अवगुण है, लेकिन हमको जब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं हो जाते, आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक हमको डिस्टर्ब करते रहेगा। तो ज्ञानी पुरुष अपने आप को फॉल्सली सेंस कंट्रोल में रह के नहीं कंट्रोल कर सकते इंद्रियां, ऐसे भगवद गीता में बताया गया है। तो अतः
कि इंद्रियों के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। तो विश्व इतिहास में ऐसी तरह के अनेक अनेक अनुष्ठान दृष्टांत है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। अनटिल एंड अनलेस यू आर प्योर 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्योर कृष्ण भक्त, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंट्रोल योर माइंड और योर सेंसेस। ऑफकोर्स कृष्ण भक्त के लिए भी बहुत मुश्किल होता है जो परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक उसके अंदर थोड़े थोड़े अविकार अवगुण बाकी रहते हैं। सो जब तक वो सारे चीज उसके अंदर से क्लियर नहीं होते, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकता। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। मन को कृष्ण में लगाए बिना, अंटिल एंड अनलेस कृष्ण में मन नहीं लगता, तब तक हम ये भौतिक कार्य नहीं बंद कर सकते। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कब होता है? जब उनका मन भगवान कृष्ण में संलग्न है। विदाउट दैट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। घोर तपस्वी ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते, सो हम तो कौन से खेत की मूली हैं। तो जब तक हम भगवान कृष्ण की सेवा में कोई भी अपने फिलोसफिकल स्ट्रेंथ और मेंटल कन्विक्शन से, आजकल बहुत योगी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा जो अपने आप को योगी या गुरु कहते होंगे, बट उन लोग के पास असली भक्ति योगा का नॉलेज नहीं है और अपने कुछ तंत्र विद्या से या कुछ सिद्धि प्राप्त करने से वो अपने आप को मन कंट्रोल में ऐसे दिखाते हैं कि उनका मन उनके कंट्रोल में, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कभी भी वो पथ से गिर सकते हैं। और एग्जाम्पल कौन है? विश्वामित्र मुनि। इतने बड़े मुनि, राज ऋषि, वो सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि एजिटेटेड माइंड, मन जब विचलित होता है ना, तो कभी भी गिर सकता है। वो सबसे बड़े एग्जाम्पल है। और वन वे टू कंट्रोल आर सेंसेस, एक तरीका जहाँ पे हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, क्या है? हायर टेस्ट। दी हायर टेस्ट की वजह से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये एक तरीका है। भक्ति में यदि हम लग जाते हैं, इफ यू आर इन भक्ति, तो फिर हम वी विल गेट अ हायर टेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जिस जैसे कि मैंने बताया मेरे पहले के लेक्चर में कि यदि आप BMW गाड़ी चला रहे हैं और आप उसके बाद मारुति चलाएं, तो आपको हायर टेस्ट मिल गया है BMW चलाने का, आपको मारुति चलाने का मज़ा नहीं आएगा, कम आएगा। तो कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। इतना अच्छा चीज़ है कृष्ण भावनामृत कि भौतिक भोग अपने आप से ऐसे लगता है कि हम मज़ा नहीं आ रहा है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। मैंने देखा है जब कोई भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, प्योरली शुद्ध मन और तन से कर रहा है, शुद्ध हृदय से करता है, तो उसको ऐसा आनंद मिलता है सेवा करने में कि वो आनंद या वो सुख उसको और कहीं किसी चीज में और में नहीं मिलता, और तब जाके वो भक्त बनता है, प्रैक्टिस करता है।
यह वैसा ही है जैसा महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। अम्बरीश महाराज क्यों दुर्वासा मुनि पर कंट्रोल कर पाए? क्योंकि दुर्वासा मुनि एक प्रकार से ज्ञान योगी थे और अम्बरीश महाराज कौन थे? अम्बरीश महाराज भक्ति योगी थे। सो अम्बरीश महाराज एक भक्ति योगी है और दुर्वासा मुनि एक ज्ञान योगी। सो अम्बरीश महाराज ने अपने मन को भगवान की सेवा में लगाया, इसलिए उनका मन जो है उनको एक ट्रांसेंडेंटल प्लेजर मिल रहा था। सो ऑटोमेटिकली मटेरियल एंजॉयमेंट बिकम्स डिस्टेस्टफुल जब हम भगवान की सेवा में मन लगाएं तो। और कृष्ण कॉन्शियसनेस जो भक्ति करता है, एक भूखे व्यक्ति जब खाता है ना, उसकी तरह कंपेयर किया गया है। सो यस, आज के अध्ययन से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम आपको हमारा मन और इंद्रिया कंट्रोल करना है तो हमको उसको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। सो यस, इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।